सो गाइस फाइनली टाइम आ चुका है इनको कटाने का, क्योंकि मेरे बाल कर्ली हेयर है तो वो मुड़ने लगते हैं हल्के हल्के, ज्यादा बड़े होते हैं तो मुड़ने लगते हैं। You and me are bored of regularities, living all the dreams, playing all the games, and getting high on love. They can chase us down, but we will always win. So, आज आपने देखा मेरी गाड़ी की सर्विस कराई मैंने, और मेरी सर्विस थोड़ी सी ज्यादा लेट हो गई थी। मैंने 14,200 पर सर्विस कराई थी और मेरी गाड़ी चल चुकी 17,500, तो मैंने टोटल उसको 3300 किलोमीटर चला था, जो कि बहुत गलत है, क्योंकि मेरा जो ऑयल डाला था वो नॉर्मल ऑयल डाला था, सिंथेटिक ऑयल नहीं था। जैसे अगर आप सिंथेटिक ऑयल डालते तो उसको थोड़ा सा ज्यादा खींच सकते हो, लेकिन आप सिंथेटिक ऑयल ना डलाए तो उसको थोड़ा ज्यादा। कल देखा था कि मेरी गाड़ी की सर्विस कराई थी, मतलब मैंने सर्विस नहीं करा, सिर्फ ऑयल डलाया था, लेकिन एक दुविधा और आ चुकी है, मैं दिखाता हूँ वो दुविधा क्या है। ये जो गियर लीवर है, मैं अभी गाड़ी चलाकर आया हूँ जस्ट, ये जो गियर लीवर है ये ना कहीं भी स्टेबल नहीं रह रहा, मतलब मैंने ये नीचे ही नीचे आ रहा है ना, न्यूट्रल हो रही गाड़ी, न्यूट्रल नहीं हो रही मेरी गाड़ी, मतलब बिल्कुल, मतलब जस्ट कि गियर नहीं डला रहा है उसमें। ये देखो ये नीचे गया, अब ये नीचे ही नीचे ले रहा है, अभी ये ऊपर का, ये तक ऊपर जा ही नहीं रहा, ये देखो ये न्यूट्रल नहीं हुआ। मैं अभी चला के आया हूँ जस्ट मार्केट में, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैंने जस्ट गाड़ी खड़ी करी और मैं पेट्रोल डालने के लिए जा ही रहा था, मतलब पेट्रोल डाला के मैं घर जा रहा था, तो अब ये हो गया है। अभी मैंने आपको दिखाया ये क्या हुआ है, तो लग रहा हमारा 2021 भी ऐसे ही जाएगा, क्या कहते हो? नहीं यार, स्टे पॉजिटिव, अच्छा हो जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना, इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब मेरा दोस्त आ रहा, फिर उसको टोचन करके लेके जाएंगे, क्यों चालू मेरी गाड़ी में से चालू तो होगी नहीं, क्योंकि उसकी जो मतलब जो गियर में चालू होती है उसमें एक छोटा सा बटन टाइप का रहता है, वो ख़राब हो चुका है, तो वो गियर में चालू होने रही, वो न्यूट्रल हो नहीं रही है, वो न्यूट्रल नहीं हो रही क्योंकि न्यूट्रल में चालू होती है। तो फंडा ये है कि उसको टोचन करके लेके जाना पड़ेगा गैरेज लाइन, फिर वो भैया देखेंगे, फिर हम देखते हैं क्या होता है। हैप्पी न्यू ईयर, उम्मीद है आपका 2021 अच्छे से जाए। 2020 तो हमारा कैसा गया है, 2020 में हमारे पास ये यंत्र नहीं था, नहीं आपको पता लग गया था कि हमारा 2020 कैसा गया है। वैसे सबका 2020 बहुत ख़राब गया ही है, वैसे सबका 2020 बहुत गंदा गया है, हमारा भी वैसे ही जाएगा यार। एक चीज़ की और कमी रहती है बॉस, मेरे पास कैमरा तो आ चुका है, कैमरा नहीं मतलब मोबाइल, मैं मोबाइल से रिकॉर्ड करता हूँ, बट एक चीज़ और है, एक एक्शन कैम और आ जाए तो मज़ा ही आ जाएगा बॉस, एक्शन कैमरा और आ जाए जल्दी ही लेंगे, वो भी जल्दी ही लेंगे। तो जी आ गए, आ चुके हैं हमारे चंगू मंगू दोस्त राहुल भाई की सुपर बाइक R1M। पकड़ो भाई, बुलाया तुमको, मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे गियर फंस रहे नहीं फंस रहे, यार उसको टोचन करके ले जाना पड़ेगा, टोचन करके तो पकड़ की जाएगी, इसको लेके चलते टोचन करके, टोचन करेगी ये वाली गड्डी, सब इससे लेके जाएंगे डिस्कवर से, ये मारे राहुल भाई की डिस्कवर, ये वाला पार्ट खोलेगा इसका, ये वाला पार्ट खोलेगा इंजन वाला। यो है इंजन, तो जय भाई साहब NS 200 का दिल है ना भाई, अब इसका चल रहा ऑपरेशन, ये खुल चुका, उसका कवर खुल गया ये पूरा, अब पता लग जाएगा फाइनली क्या प्रॉब्लम है। गाड़ी गियर में तो जा रही है लेकिन बस गियर उतार नहीं रहता उसके, अभी चेंज कराया था मैंने ऑयल उसका, और पता है ये पड़ा उसमें ऑयल, अभी मैंने या दो या तीन दिन पहले ऑयल चेंज कराया था मैंने उसका। सो अभी ये दिख रही ना इतनी इतनी टूट गई है, और अभी कन्फर्म नहीं हुआ, मैं ये लेने आया हूँ, ये जो रिंग दिख रही है, रिंग स्प्रिंग दिख रही है, इसको तो स्प्रिंग बोलते हैं, उम्मीद हो कि यही टूटी हो तो हमारा फायदा है। तो मानोगे नहीं कि इतनी ज़्यादा चुकियापा हुआ है, लेकिन हमारी गाड़ी का सामान आ चुका है फाइनली, इसमें ये डलाएगा बोले तो काम। अभी इसमें बहुत बड़ा रिस्की काम हो जाता, क्योंकि इसका एक काम क्या था, ये उसका ये इसको निकालना था ये, और ये ऐसा निकलता कि पूरा इंजन बाहर उठाकर रखा था, फिर उसके बाद वो निकलता, ठीक है,
तो बहुत माथा जितनी हुई, 12 बजे से लगे थे और अभी टाइम होगा 4:30 बज चुका है और अभी तक गाड़ी स्टिल मेरी अभी तक गाड़ी कंप्लीट नहीं हुई है एक छोटी सी स्प्रिंग के कारण। वो स्प्रिंग कहाँ गए भाई, उसे स्प्रिंग देखिए, हाँ ये स्प्रिंग देख रहे हैं ना, ये इसके कारण मात्र खुल गई मेरी पूरी ये स्प्रिंग के चक्कर में और नया लेना पड़ा मेरे को वो। क्या फाइनली मेरी गाड़ी का गियर शॉफ्ट मैंने खरीद लिया, 354 रुपीस का था वो गियर शॉफ्ट, तो फाइनली इसमें इंस्टॉल होगा। 15 मिनट का काम हो रहा, फिर घर चलते हैं, बहुत दिन भर का टाइम लग गया उसमें, कोचिंग भी छूट गई आज की। तो डन हो चुकी है गाड़ी, 4 बजे डन नहीं हुई थी, 4 बजे तो मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था, गाड़ी हुई 6 बजे डन हुई थी। सो गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, कमेंट और कमेंट बॉक्स में लिखें आपका थॉट्स कैसा लगा ब्लॉग एंड या स्टे पॉजिटिव और कुछ नहीं है बोलने को।